दोस्त, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल में जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस, और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आज हम लोग करेंगे, मैं जो आप लोग के लिए एक नया जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज। कौन सा सीरीज दोस्तों? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस सीरीज का नाम होगा क्या आपका 66 जो है आपका पीटी मॉक टेस्ट, या 66 जो है आप लोग के लिए प्रीलिम टेस्ट को जो है मैंने शुरुआत किया है। डेली में 15-20 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा और आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत जो है अब हम लोग करेंगे, सीधा जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि ये जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा इसको जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो ये मेरा जो पेपर शीट है, यहाँ पे आप लोग जो देखेंगे, ठीक, वो ऐसा पेपर है जो पूरा का पूरा जो बीपीएससी में आता है, ठीक उसी हिसाब से मैंने इस पेपर को भी तैयार किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी म्यांमार, और ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका डी। इसका आंसर क्या है? डी। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, क्योंकि जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जो है दोस्तों, इसमें सात देशों के मिलने के बाद हुआ था। और जो हम लोग कहते हैं कि इसमें जो देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इसको भी आप लोग को क्या करना है दोस्तों? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसे भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को देखेंगे क्या हो तभी तो मजा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिक्लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिक्लेयर, ओके याद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिक्लेयर प्लानिटरी इमरजेंसी। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रहों की आपातकाल स्थिति घोषणा की है? ए न्यूजीलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी इंडिया, डी बांग्लादेश, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये है आपका बांग्लादेश। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। और बांग्लादेश की संसद जो है पहली बार आपका प्लानिटरी इमरजेंसी की घोषणा की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। इससे पहले दोस्तों कुछ और कंट्री है जिसने क्या किया था आपका प्लानिटरी जो है ग्रहीय आपातकाल की घोषणा की थी, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और बांग्लादेश, तो मैंने आपको बता ही दिया। और दोस्तों बांग्लादेश पहला देश बन गया जिसने अपने सभी नदियों को इंसानों के समान कानूनी दर्जा दिया है। ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसे ध्यान में रखना चाहिए, तभी जो है हम लोग अच्छे से बीपीएससी के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जो हम लोग जिब्राल्टर की जलधारा जो है, जिब्राल्टर की जलधारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसके बीच है? ए स्पेन एंड मोरक्को, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, एंड डी अमेरिका एंड कनाडा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ई है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेन और मोरक्को के बीच भी है, और साथ ही में दोस्तों ये जो आपका मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। एक स्टेट क्या होता है दोस्तों? नेचुरली फॉर्म नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे, जो क्या करता है? दो बॉडीज जो वाटर के होते हैं उसको कनेक्ट करता है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, कि डैट मीन्स कि जल मरुमर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है,
तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता भी दिया कि स्टेट ऑफ जो जिल ब्राल्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग को हॉर्मुज स्टेट याद करना है, बब अल मंडेव याद करना है, 10 डिग्री चैनल याद करना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ अब जो है मैं बढ़ूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे देखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, फटाफट जो है इसे मैं क्लियर कर देता हूँ सबके सब, ठीक, देन जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का पता लगाना है। क्या करना है दोस्तों, गलत मिलान का पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड कंट्री दिया हुआ है और एक साइड राज्यों के प्रमुख दिए हुए हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। पहला है दोस्तों यहाँ पे कंट्री स्पेन, स्पेन का हेड जो है यहाँ पे पेड्रो सांचेज दिया हुआ है। देन जो है आपके देखिएगा इंडोनेशिया जोको विडोडो दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड दिया हुआ है, एंड जो है दोस्तों आप लोग यहाँ देखिएगा ईरान हसन रूहानी दिया हुआ है, और ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों इसकी आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका आंसर होगा दोस्तों कि इसमें से इनकरेक्ट मैच की बात करें तो ए हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेन। तो किंगडम ऑफ स्पेन इज कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की एंड इन विच एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट द स्पेनिश मोनार्क करंटली किंग फेलिपे। ठीक है, याद रखिए किंग जो है आपका फेलिपे सिक्स है, कौन है, किंग फेलिपे सिक्स, इसलिए ये गलत हो गया, किंग लिख देता हूँ फेलिपे FELIPE फेलिपे सिक्स है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो पहुँचेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर पहुँचते हैं दोस्तों वर्ल्ड, ठीक है, चैगस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज रिलेटेड टू, विश्व चैगस दिवस पहली बार मनाया गया जो किससे संबंधित है, जो किससे संबंधित है। ए यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों का क्या दिया हुआ है दोस्तों, खेल मतलब कि स्पोर्ट्स दिया हुआ है। बी जो दिया हुआ है आप लोग को फ्रीडम लिबर्टी इक्वालिटी दिया हुआ है। सी जो है दोस्तों ग्रास कन्वर्सेशन के बारे में दिया हुआ है, और डी जो है दोस्तों नेगलेक्टेड डिजीज के बारे में दिया हुआ। तो आंसर जो है दोस्तों इसका आपका क्या है, डी है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, चेगास रोग है। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को याद करके रखिएगा। जो वर्ल्ड चैगोस डे जो है दोस्तों 14 अप्रैल को, कब, 14 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, और ये आपका कब से मनाया जाता है, ये जो है दोस्तों आपका 1909 ऑलमोस्ट हम लोग बात करें, इट वाज ऑन दिस डेट इन 1909 दैट द फर्स्ट वैक्सीन। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, एज पर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, व्हाट इज द बिहार रैंकिंग एज पर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, व्हाट इज ओके बिहार रैंकिंग, दैट मीन्स कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बिहार की रैंकिंग क्या है, ये बताना है। ए सेकेंड लास्ट, बी जो है लास्ट, सी सेकेंड, डी फिफ्थ, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर है दोस्तों ए सेकेंड लास्ट, इसका आंसर क्या है दोस्तों, सेकेंड लास्ट है, ये ध्यान में रखना है। और झारखंड लास्ट है, झारखंड जो है दोस्तों वो लास्ट है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोग को बता दिया इसे डिटेल में। ठीक, और इसको आप लोग भी याद करके रखिएगा। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचूंगा दोस्तों। क्वेश्चन है एज पर द रिसेंटली हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया व्हाट इज बिहार रैंकिंग इन अ लार्जर स्टेट, दैट मीन्स की हाल ही में जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत के अनुसार बड़े राज्य में बिहार की रैंकिंग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी जो है दोस्तों यहाँ पे लास्ट, और डी जो है सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे भी आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ये सेकंड लास्ट है, इसका आंसर क्या है, डी सेकंड लास्ट है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुँचेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव वाटर पॉलिसी, इसमें से कौन सा राज्य जो है दोस्तों जिसमें
पहली बार वाटर पॉलिसी बनाया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जो है सिक्किम, डी मिजोरम, ई नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसकी आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये आप लोग को याद रखना होगा, इसका आंसर मेघालय है, डी है दोस्तों, क्या है? मेघालय, याद करके रखिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मेघालय जो दोस्तों फर्स्ट स्टेट बन चुका है, अब यहाँ पे मिजोरम दिया हुआ है, तो आप लोग को ये क्या कर लेना है, मेघालय है इसका आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेघालय ठीक है क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया है, इसलिए मैंने बताया है और आपको याद भी रखना है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे दोस्तों, तो पहले इसे क्लियर कर लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू मेजर ग्रॉसेस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, दैट मीन्स की सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? ए मिजोरम, बी जो है आपका केरला, सी जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु, और डी जो है आपका उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? डी उत्तराखंड, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड दैट हैज अनाउंस अ फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सभी के लिए एक मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो क्या है आपका, इसका आंसर जो है हमारा फिनलैंड है। इसका आंसर क्या है हमारा दोस्तों? फिनलैंड है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा यहीं तक रहेगा, फिर मैं नेक्स्ट करके धीरे धीरे 20 10 15 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा, आप लोग इसे प्लीज देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जो भी सेशन होगा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और आपके बिहार की जो तैयारी है उसे मैं जबरदस्त तरीके से करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए लाइव लेशन में, नए क्लासेस में, नए वीडियोज में। प्लीज आप लोग कमेंट लाइक शेयर और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।